अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम 2 अक्टूबर के हवाले से करेंगे और ये महात्मा गांधी की सालगिरह का दिन है। इसको हम इस बहाने हम उस नॉन वायलेंस को याद करने की कोशिश करेंगे जो महात्मा गांधी का मैसेज था। आज के ज़माने में जबकि हर तरफ बम फूट रहे हैं, ड्रोन्स हो रहे हैं, कभी कोई किसी के सर पे गोली लग जाती है, किसी के घर तबाह हो रहे हैं, तो उसमें हमें ये 2 अक्टूबर का दिन जब आया तो हमें एक बहाना नज़र आया कि हम एक तो गांधी साहब को ट्रिब्यूट दें और दूसरा उनकी फ़िलासफ़ी को दोबारा से अपने दरमियान में लाने की कोशिश करें, जो हर 2 अक्टूबर पे ये कोशिश की तो जाती है लेकिन हम उसको अपने तौर पे करने की कोशिश करेंगे। उनको याद कि गांधी साहब जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट थे, उनका पीस में या नॉन वायलेंस में गांधी साहब की जो इम्पॉर्टेंस है वो इस तरह है कि दुनिया के 5 वर्ल्ड लीडर जिनको पीस का नोबल इनाम मिला उन सब की इंस्पिरेशन जो थी वो गांधी साहब थे। मार्टिन लूथर जो है उन्होंने गांधी साहब के बारे में कहा, इतनी बड़ी बात कही कि क्राइस्ट ने हमें गोल बताया और गांधी साहब ने हमें वहाँ तक पहुँचने के टैक्टिक्स बताए। इसके साथ साथ जो है हमें नेल्सन मंडेला को हम देखते हैं, उन्होंने इनको अपनी इंस्पिरेशन कहा और उन्होंने कहा कि मैंने वो काम कंप्लीट किया जो गांधी साहब ने शुरू किया साउथ अफ्रीका में। इस सब के पर्सपेक्टिव में हम जो है गांधी साहब के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में सैयद नुज़हत सिद्दीकी साहब तशरीफ़ रखती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पहले भी हमारे साथ काफ़ी प्रोग्राम कर चुकी हैं, ये एक शायर हैं, राइटर हैं, रिसर्चर हैं और इनका जो सर्कल है जिसके गिर्द ये घूमती हैं वो ग्लोबल पीस पैराडाइम है। इस हवाले से अगर हम गांधी को देखें और नुज़हत साहिबा की कंट्रीब्यूशन देखें तो हमें उसी के रिलेटेड नज़र आती हैं। नुज़हत साहिबा, आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुश आमदेद कहती हूँ। शुक्रिया। आपको प्रोग्राम में जो है गांधी साहब के प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये है कि आपका भी जो लाइफ है पूरी इसी गिर्द घूम रही है, पीस दुनिया में गांधी साहब भी हमें नज़र आते हैं, तो हम जब उनको देखते हैं एज अ थोड़ा सा हट के देखें कि पीस लोग नॉन वायलेंस की बात जो है वो फिलॉसफी उन पे जाए बगैर, जब अगर हम आपसे बिल्कुल एक जनरल पूछें कि आज हमें गांधी साहब को याद करना पड़ रहा है या हमको याद करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? वो सोशल रिफॉर्मर थे, वो राइटर थे, वो फिलॉसफर थे, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, आप उनको सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखती हैं? मेरा ये ख़्याल है कि गांधी, जैसा आपने खुद ही फरमाया कि गांधी जी की इम्पोर्टेंस, उनकी ज़िंदगी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की ज़िंदगी थी और मल्टी डायमेंशनल नज़र आते हैं, लेकिन असल में उनकी राइटिंग्स, उनका पॉलिटिकल एक्टिविज़म, उनकी ज़िंदगी, सब चीज़ जो है वो एक ही असूल के तहत चल रही है अगर आप उसके पीछे देखें, और मेरा ख्याल है वही असूल है जिसके तहत हमें उन्हें याद रखना चाहिए, और वो असूल उनकी ज़िंदगी में ट्रूथ और नॉन वायलेंस का था। और वो ये कहते हैं कि नॉन वायलेंस जो है वो ट्रूथ ट्रूथ ही नहीं है, वो सच ही नहीं है जिसके नतीजे में वायलेंस हो जाए। तो वो एक तरह से इन दोनों को लाजिम और मलजूम करार देते थे, और यही एक थी जैसे कि कुरान में है कि खुदा की रस्सी को हाथ में पकड़ के चलो, एक तरह से उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने हाथ में बहुत शुरू से अपनी अवायल उम्र से ले लिया था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। तो उनका जितना भी कैरेक्टर बाद में नज़र आता है और जो एक्टिविटी नज़र आती है वो इसके इर्द गिर्द है, और मैं ये समझती हूँ कि आज के ज़माने में यही दो चीज़ें नापैद हो गई हैं। सही। एक सच नापैद हो गया है, एक अमन ख़त्म हो गया है, और इसलिए गांधी बार बार हमारे सामने आते हैं। सही। अच्छा, ट्रूथ को आप जब इससे रिलेट करती हैं नॉन वायलेंस से, तो मैं थोड़ा सा और इसको समझना चाहूँगी कि गांधी के पर्सपेक्टिव में वो कैसे इन दोनों चीज़ों को रिलेट करते हैं। वो ये कहते थे कि दुनिया जो है उसको इंसान एक बरादरी, सही, सारी इंसानियत, जात पात के हिंदू थे, हिंदुइज्म पे हमेशा कायम रहे, लेकिन वो समझते थे कि हिंदुइज्म की जो जात पात है वो एक गुनाह है, सिन है, इसलिए वो अनटचेबल्स के लिए उन्होंने काम किया। और ये उन्होंने कहा, मैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि एक इंसानी बरादरी है और उसके लिए अमन लाजमा है, और वो ये कहते थे कि अमन हासिल नहीं किया जा सकता जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ
को अपनी प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट नहीं करेंगे और वो ट्रूथ पे बेस्ड है. यानी आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच, आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ को अगर डेवलप करेगी तो वही स्पिरिचुअल सेल्फ असल में उस ताकत का मंबा बनेगी जो मुआशरे में अमल लेके आएगा. और ना सिर्फ ज़ाती अमल लेके आएगा, क्योंकि उससे पहले भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन तो चल रही थी, ज़ाती अमल की बात करती थी. ये पहले इंसान हैं जिन्होंने ट्रूथ की स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी को सोशल और पॉलिटिकल एरिना में वो लेके आए और उस पर प्रैक्टिस की. सही. यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि इनसे पहले भी नॉन वायलेंस की प्रैक्टिसेस चल रही थी, लेकिन इनका अपना एक्सपेरिमेंट वो ये है कि ये पॉलिटिकल एरिना में इन्होंने लेके आया इसको. जी, नॉन वायलेंस तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बची ही नॉन वायलेंस के नतीजे में है. सही. क्योंकि ज़िंदगी का लाजमा है, बच्चा पैदा होता है, अगर उसको वो पीसफुल एटमोसफियर ना मिले तो वो ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. लेकिन इसके बावजूद, और अमन की बात सब लोगों ने, जो भी अक्लमंद लोग थे, तमाम पैगंबरों ने, सब ने की है. लेकिन अमन को बुनियादी एक पिवट बना के उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें बुनने का काम बहुत थोड़े लोगों ने किया है. और हैरत की बात यह है कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने किया और जिनके नाम हमारे सामने हैं, उनमें से दो बहुत बड़े लोग हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मिडल ईस्ट से. मेरे कहने का मतलब ये है कि बुद्ध हमारे अपोस्टल ऑफ पीस हैं जी, लेकिन वो उसको पॉलिटिकल एरिना में नहीं लेके आए. उन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया. और बुद्ध से भी पहले महावीर जैन थे जिन्होंने बिल्कुल इतनी नॉन वायलेंस की बात की कि वो इवन जो ना नज़र आने वाले कीटाणु या जिंदगी है उसकी तरफ भी सेंसिटिव थे. उसके बाद मिडल ईस्ट में जाएं तो हमें हमारे अपोस्टल ऑफ पीस सबसे बड़े हज़रत ईसा नज़र आते हैं, जो जिनका मैसेज ये है. मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रही, ना मैं ईसाई हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई भी रिलीजन ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद जुल्म शुरू हो जाता है. लेकिन हज़रत ईसा का अपना मैसेज, जैसा कि सबको पता है कि अगर लव दाई एनिमी, और अगर एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो दूसरा भी, उसका मतलब ये था कि एक्शन और रिएक्शन की चेन ना शुरू हो जाए. वो दूसरे अपोस्टल हैं. और तीसरे जो हैं महावीर जैन, बुद्ध और हज़रत ईसा के बाद हमें हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इसका दाई अमन का गांधी नज़र आते हैं. सही. लेकिन इस दौरान में लोगों ने पीस की हमेशा कोशिश की, लेकिन ज़ाती पीस की करते रहे. निर्वाणा की कोशिश, मज़हब के हवाले से अल्लाह ताला के अहकाम पर चलते हुए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश, लेकिन उसको पॉलिटिकल और सोशल एरिना में एज ए मेथड इस्तेमाल नहीं किया गया. इससे पहले मैं अगले सवाल पे चलूँ, मुझे आपकी बात से एक बात रिलेट करें. सेल्फ प्योरिफिकेशन की बात करते हैं गांधी साहब, उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो किन किन कौन से मेथड्स उन्होंने अप्लाई किए या अपने पे इम्प्लीमेंट किए. सेल्फ प्योरिफिकेशन की देखें, हर गांधी जी की जो वो थोड़े से, वैसे माफ़ कीजिए, सन की भी थे, मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन वो अपने उन ज़ाती एक्सपेरिमेंट्स की वजह से याद नहीं किए जाते. हिस्ट्री में उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उनके सियासी और सोसाइटी में जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन की उसकी वजह से. लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जैसे फास्टिंग की, जैसे वेजिटेरियन रहे, जैसे उन्होंने सच बोलने को, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, सच बोलने को अपना शियार बनाया. एक और बात जो उन्होंने की वो ये कि वो उनका कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है. इवन जो अपोजिशन वाला है वो भी उनका अपना है, इसलिए वो रिकन्सिलिएशन चाहते थे अंडरस्टैंडिंग के बाद. फिर उन्होंने सेलिबेसी के डिफरेंट प्रैक्टिसेस की हैं, जिसमें वो काफ़ी इंतहा पे पहुँचे. लेकिन उनकी सच्चाई का आलम यह था कि रोज़ाना वो जो अपना एक कॉलम लिखते थे अखबारों में, और उन्होंने बहुत से अखबार जाए किए, जर्नलिस्ट की हैसियत से भी वो बहुत अहम है हिंदुस्तान की तारीख में, तो उसमें वो उसको सेलिबेसी को शेयर करते रहे. फिर हर चीज़ ज़ात पात से उठ के जो ट्रूथ की बात थी, जब उन्होंने कहा इंसानियत एक है, तो उन्होंने भंगियों की लैट्रिन साफ की. सही. अच्छा, ये जो आपने सारी की बातें, इसमें से आप समझती हैं ज़ाती तौर पे कि इनकी ये जो सेल्फ सेक्रीफाइसेस थी, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये इसको अगर हम फैला के देखें तो ये उसके लिए कुछ यूज़फुल थे?
उन चीज़ों के लिए मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रगल थी. मैं ये समझती हूँ कि हर शख्स का अपना एक सफ़र होता है सच्चाई का, अपनी प्योरिफिकेशन को. वो दरअसल रूह का शाहिद कोई नहीं होता, उसके आप ही शाहिद होते हैं, आप ही जानते हैं आपकी रूह के अंदर क्या मैल कुचैल है और क्या नहीं है. तो आप ही ये तय कर सकते हैं कि क्या मेथड इस्तेमाल करें. तो उन्होंने जो भी मेथड इस्तेमाल किए वो तो उनके मेथड थे. मैं एज ए मेथड ये नहीं कह रही कि हर बंदा वो इस्तेमाल करे, हर बंदा अपना मेथड इस्तेमाल करके सेल्फ प्योरिफिकेशन कर सकता है. लेकिन डेफिनेटली उस वो जो इतनी उनकी सख्त कमिटमेंट थी ट्रूथ के लिए और अमन के लिए और नॉन वायलेंस के लिए, जिससे उन्होंने कभी डिथर नहीं किया और जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, और उनकी पूरी हिस्ट्री में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो कि कंट्राडिक्ट्री हो अपने उस असूल के खिलाफ. तो वो जो एक हिम्मत थी वो उनकी सेल्फ प्योरिफिकेशन की प्रैक्टिस से आई थी, वो कभी बाहर से नहीं आती, वो ताकत अंदर से फूटती है. और उसकी वजह से जो इन्होंने एक प्रैक्टिकली करके चीज़ें दिखाई, उसकी वजह से इनकी बात की इम्पोर्टेंस भी आप समझती हैं, जो आज तक हम 64 साल गुजरने के बाद भी बैठ के उन पर बात कर रहे हैं और वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इतने इम्पोर्टेंट हैं. तो ये जो इनकी पर्सनल चीज़ें थी ये ज़्यादा अहमियत का बायस बनी. दरअसल उनकी पर्सनल और सोशल अलग उन्होंने नहीं किया. सबसे बड़ी बात ये है, उनका सोशल भी वही था, वही ड्रीम. सुबह से शाम तक उसका, उनका हर सांस, उनका लिबास, उनका उठना बैठना, उनका खाना, उनकी रिश्तेदारियाँ, उनके ताल्लुक, उनकी सियासत, उनकी ज़ात, वो बिल्कुल कहीं अलग अलग नहीं है. तो वो नॉन वायलेंस का एक सिंबल है. और इस वक्त हम इसलिए उनको याद कर रहे हैं कि हम ये समझते हैं और ये हकीकत है. और मैं इंटीग्रल पीस पैराडाइम का हवाला यहाँ देना चाहती हूँ, जो कि बियॉन्ड गांधीज़म है, लेकिन गांधीज़म के हवाले से ही आगे जा रही है बात नॉन वायलेंस की, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी उसके लिए दी कि उसके हवाले से उन्होंने जो भी बात की वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त हो गई है कि इस वक्त हम इंटीग्रल पीस पैराडाइम के हवाले से सिविलाइजेशनल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं. हमारी पूरी सिविलाइजेशन एज ए ह्यूमन स्पीशी हम लोग से क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस वायलेंस है. वायलेंस अगेंस्ट नेचर, इकोनॉमिक वायलेंस, डिजीजेस फैली हुई हैं, एक तरफ इतनी अय्याशी हो रही है, ये सब कुछ. तो इसलिए उसके हल की वजह से, क्योंकि हल नॉन वायलेंस है वायलेंस का, इसलिए बार बार गांधी का नाम सामने आ जाता है. बात जारी रखेंगे और ये जो आपने अभी एंड पे बात की इसी से बात को कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन वक्त है ब्रेक का. वेलकम बैक नाज़रीन. जी नुसरत, हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने भी अभी जिक्र किया और कि गांधी साहब को बाकायदा एक स्ट्रगल करनी पड़ी उस नेचर को करने के लिए. और हम देखते हैं अगर इंसानी तारीख की भी को भी देखें तो एक तशद्दुद की तरफ मायल नज़र आते हैं. पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, अभी अगर हम रिसेंटली देखें 9/11, फिर उसके बाद की बेतहाशा जंगें, कभी इराक पे हमला, कभी अफ़गानिस्तान पे, और ये सब कुछ जो चल रहा है, तो उस सारे में आप क्या समझती हैं कि ये जो पीस वाला गांधी साहब का है फार्मूला, ये आप कैसे फिट करेंगी? देखें, ये तो अब वक्त के साथ साथ जो जो सिचुएशन होती जाएगी आप अपने फार्मूलाज भी बनाएंगी. बुनियादी तौर पे मैं ये समझती हूँ कि फार्मूला एज इट इज़ फिट होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि अब जो आर्मामेंट की शक्लें बदल गई हैं. उस वक्त भी क्वेश्चन सामने आया था कि अगर जापान इंडिया पे कब्ज़ा करता है तो क्या किया जाए, एटम बम के सामने क्या किया जाए. ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि उन्होंने कहा है कि नॉन वायलेंस को शियार बना के, मकसद बना के रिकन्सिलिएशन, कोऑपरेटिव रिकन्सिलिएशन की जाए, दैट्स द मेन थिंग. और कोऑपरेटिव, अब ये, अब हम ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन स्पीशी इस वक्त ऐसे मकाम पे है कि या तो वो ये रिकन्सिलिएशन कर लेगी और बच जाएगी, अगर नहीं करेगी तो ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल आपके सामने है, मुझे बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जो आर्मामेंट की सूरत हाल है, जो एक न्यू इम्पीरियलिज्म की सूरत हाल है, जो जंगों की सूरत हाल है, जो बीमारियों की सूरत हाल है, जो नेचर की रेप की सूरत हाल है, उसमें
بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنا وہ طریقہ نہ بدلیں گے جس طریقے پہ آپ چل رہے ہیں. تو گاندھی کی امپورٹنٹ یہ ہے, گاندھی جی کی, کہ وہ میتھڈ چینج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے یہ مت سمجھیں کہ میں فاسٹنگ شروع کر دوں گی تو کچھ ہو جائے گا. دیٹ واز ہز میتھڈس, یو کین ایون ڈو دیم. لیکن ایک میتھڈ ان کا ضرور ابھی بھی بہت کارگر ہوگا, اور وہ یہ کہ جو ماس لیول پہ نان وائلنٹ طریقے سے کھڑے ہو جانا, اور ان کی جو ایک پہیا جام قسم کی ہڑتالیں ہوتی تھیں کہ وہ ساری سارا کام ملک کا, آج آپ یہ اندازہ کریں کہ امریکہ کو لے لیجئے اس وقت, اگر اس وقت سارے امریکن یہ کہیں یا ایک ماس موومنٹ اس کی چلے کہ آپ افغانستان سے آج ہی لوگوں کو واپس بلائیں, اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے آج کے دن سے یہ ہڑتال شروع کرنی ہے, اور نہ کوئی بندہ دفتر جائے گا, نہ کوئی بندہ مشین چلائے گا, کچھ نہیں ہوگا, بینک بند پڑے ہیں, آپ مجھے بتائیں امریکہ کیا کہ کوئی بھی دنیا کی بڑی طاقت اس طرح کا لاس برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے میتھڈ دیا تھا کہ عوام کو امپاور کیا ہے, امپاورمنٹ آف ماسز کی جو بات کی ہے, وہ ماسز کو سمجھانا ضروری ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ اس وقت نہیں ہے, اس لیڈرشپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے, اور نان وائلنٹ طریقے سے بس کام روک کے, اگر آپ ایک دن کا بھی اب کام رکتا ہے تو بلینز آف ڈالرز اسی ایک سیکنڈ میں ضائع ہوتے ہیں, اور اس وقت صرف پیسے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو لوگوں کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن نان وائلنٹ طریقے سے. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو ہم اپنی بسیں چلانے لگ جاتے ہیں, اپنے ہی گھر پھونکنے لگ جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ جو وائلنس ہے, اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ گاندھی صاحب وائلنس کہتے کس کو تھے؟ وائلنس جو ہے وہ کسی قسم دوسرے کا حق چھیننے کو, انکوالٹی ہونے کو, رائٹس نہ دینے کو, اور فزیکل وائلنس تو خیر وائلنس ہوتی ہے, لیکن انہوں نے نان وائلنس کا طریقہ جہاں بھی استعمال کیا ہے وہ یہ کہ ڈسٹرکشن سے اوے رہیں, ڈسٹرکشن نہیں کرنی, اور وائلنس وہ یہ کہتے تھے. دیکھیں انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کن لوگوں کے خلاف, جو سب انڈینچرڈ وہ بیچارے کام کرنے والے آئے ہوئے تھے, ان کے حق میں جو وہاں کے لوگ تھے ان کی روزمرہ, جب انڈیا آئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے صرف انگریزوں کے خلاف کیا, انہوں نے ساری زندگی اپنی چھوچھات کی خلاف, کیونکہ انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا ظلم ہے انسانیت کے خلاف, عورتوں کے حقوق کے خلاف جو بھی باتیں تھیں اس کے لیے انہوں نے لڑائی کی, انہوں نے فارمرز کے لیے, انہوں نے مل ورکرز کے لیے, انہوں نے ان تمام لوگوں کے لیے. تو ان کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو وائلنس جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, وہ فزیکل وائلنس تو ہے ہی, لیکن وہ ایموشنل, سائیکولوجیکل, آپ کی پولیٹیکل لیول پہ آپ کے رائٹس کی کنفسکیشن, آپ کو ایکول رائٹس نہ دینا, یہ سارے کا سارا وائلنس. اس کو ہم پیسیو ریزسٹنس تو نہیں کہہ سکتے؟ یہ پیسیو ریزسٹنس تھی, انہوں نے اپنی جو سب سے پہلے ریزسٹنس شروع کی اس کو پیسیو ریزسٹنس ہی کہتے تھے. کیونکہ لیکن سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, انہوں نے تو کہا, لیکن اگر ہم دیکھیں تو پیسیو ہونا تو یہ ہے نا کہ آپ, اب ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے آپ کی تو آپ ہونے دو, لیکن گاندھی صاحب کو ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ ہے چاہے انڈیا ہے, انہوں نے کوئی بھی طریقہ یوز کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سپریس نہیں ہونے دیا. نہیں, اس کو ہم پیسیو ریزسٹنس کیسے کہیں؟ کیونکہ ریزسٹنس کہہ رہے ہیں نا, تو ریزسٹنس تو ریزسٹنس ہے. ایکٹیو کا مطلب انہوں نے اس وقت یہ لیا کہ بھئی آپ جا کے توڑ پھوڑ کرنے لگ جائیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. پیسیو ریزسٹنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کے سالٹ جو مارچ ہے اسی کو دیکھیں, وہ 25-25 لوگ کی لائن سامنے آ رہی ہے, سامنے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جی ہم تو خلاف ہیں, آپ نے ہم پہ جو ٹیکسز لگائے ہیں, ہم اپنا نمک خود بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی چیزیں خود بنانا چاہتے ہیں, آپ کیوں نہیں ہمیں ہندوستانیوں کو اپنے ہندوستان میں اپنی ضرورت کی چیزیں بنانے دیتے, کیوں آپ نے ہم پہ یہ؟ وہ ان کو نہ مار رہے تھے, نہ گالی نکال رہے تھے, نہ کچھ کر رہے تھے, وہ اپنی بات لے کے سامنے آ رہے تھے اور مار کھا رہے تھے, گر رہے تھے اور پھر سامنے آ رہے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے خود مر جاؤ لیکن کسی اور کو تکلیف نہ پہنچاؤ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو پیس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دیں. آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ ٹیگور, جن کو کہ گاندھی جی اور ٹیگور کا آپس میں بڑے محبت کا رشتہ بھی تھا, لیکن ان کے کلیشز بھی تھے. کلیشز اس بات پہ تھے کہ ٹیگور ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ جس امن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو شاید انائیہیلیشن کا شوق ہے, آپ تو اپنی جان دینے پہ تلے ہوئے ہیں, کیونکہ جب آپ بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کچھ کے دشمن کے سامنے جائیں گے وہ تو آپ کو مار دے گا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ
पीस जो है और नॉन वायलेंस, ये आसान रास्ता नहीं है, ये जान देने का रास्ता है इसमें, लेकिन आप अपनी जान देते हैं, किसी की लेते नहीं। अच्छा, वो उनका ख्याल था कि इससे हार्ट चेंज होते हैं। जी हाँ, और न सिर्फ हार्ट चेंज होते हैं, उनका ख्याल ये था कि पैसिव, अच्छा मैं एक बात आगे करना चाहती हूँ कि उन्होंने खुद फिर पैसिव रेजिस्टेंस को कहा कि ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, उसको पूरी तरह कवर नहीं करता, तो उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया, जिसका मतलब है सच का रास्ता, सच की कुवत। क्योंकि उन्होंने कहा पैसिव रेजिस्टेंस में तो बस ये है कि रेजिस्टेंस आपने की लेकिन कुछ एक्ट नहीं किया, लेकिन मैं तो ट्रूथ की फोर्स को भी शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस से कोई बंदा गलत चीज़ के लिए भी कर सकता है, लेकिन ट्रूथफुल होके आप अपने हकूक मांगें, दूसरों के हकूक पामाल ना करें। लेकिन वो जो हार्ट के चेंज होने की बात कर रहे थे ना, वो इस हवाले से कर रहे थे कि वो सबको अपना समझते थे, इवन ब्रिटिश को भी जो बाहर से आए हुए हैं। तो वो ये कहते थे कि आज जिसको आप एनिमी डिफाइन कर रहे हैं, उसको एनिमी डिफाइन ना करें, उससे बैठ के आराम से रिकन्सिलिएशन की बात करें, कल को वो आपका दोस्त होगा, उसका भी नुकसान नहीं करना और अपना भी नहीं करना, जब हम ये रास्ता अपनाएंगे तो वो भी समझ जाएगा। अच्छा, उनका ये तरीका तो नहीं था जैसे आप हार्ट चेंज आप दुश्मन के तो नहीं कर सकते, आप ऑप्रेसर का हार्ट चेंज नहीं कर सकते। मुझे ये समझ आती है कि उनका ये तरीका था जैसे ये सॉल्ट मार्च की आपने बात की, लोगों को मार पड़ी, वो खामोश खड़े होकर मार खाते रहे, खुद भी ये बहुत दफ़ा जेल में गए, अपने आप को पेश कर देते थे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती थी, ये सारे फिर जो दूसरे लोग देखते थे इनको ये सब करते हुए, तो वो जो अपने लोग थे वो एक कुवत बन के इनके साथ शामिल हुए, और ये इनडायरेक्ट एक उनको अपने लोगों के हार्ट की चेंज करते थे, और ये इनडायरेक्ट उनको जो था एक फोर्स जाती थी, एक दबाव जाता था ओपोनेंट्स पे। तो ये मुझे ऐसे समझ आई है आप इससे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको शायद ये भी पता होगा कि इनकी इन कोशिशों के नतीजे में आखिरी वायसराय की जो काउंसिल थी उसके बहुत से मेंबर्स ने जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे कि हम आप जो इंडिया में जिस तरह के अहकाम कर रहे हैं हम इसके हक में नहीं है। तो बहुत से वहां के लोगों के भी हार्ट चेंज हुए, और ये देखें जो बाहर से इनके साथ लोग आए हैं, सिर्फ यही लोग नहीं थे, वो ये जर्नलिस्ट जो थे इनके साथ काम करने वाले जिन्होंने ये सारी खबरें बाहर पहुंचाई हैं, वो बाहर के लोग थे, वो गोरे थे, अंग्रेज थे, कोई जर्मन था, तो वो उससे बहुत से दूसरे। और फिर जब ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं 1931 में सितंबर में इंग्लैंड, तो जितनी इनकी वहाँ आबरू हुई आम लोगों में, जो लोग उनको सैकड़ों की तादाद में मिलने के लिए आते थे, और वहाँ और आम लोग ही नहीं बल्कि वहाँ के जो लॉर्ड्स और बड़े बड़े लोग सिवाय चर्चिल के, हर बंदे ने इनसे मिलना अपनी इज्जत समझा। तो वो एक इम्पैक्ट हो रहा था उन लोगों पे भी, जो कि दुश्मनी पैदा नहीं कर रहा था, अपोजिशन पैदा नहीं कर रहा था, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा था कि हाँ वाकई शायद हम लोग दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है ये बंदा जो कहता है इसकी बात सुनो। तो ये जो इनकी आप क्या समझती हैं कि साउथ अफ्रीका में जब ये गए, तो वहाँ तकरीबन फिर 21 साल ये रहे, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे रह के इन्होंने जो है ये सारा एक एज अ पॉलिटिकल लीडर वहीं से बन गए, या वो इंडिया वापस आके ये इंडिया वापस आके नहीं बने। असल में जब ये साउथ अफ्रीका गए हैं, ही वॉज़ ए वेरी यंग पर्सन, मे बी मेरा ख्याल 22-23 साल की इनकी उम्र थी, 23-24 साल की, और उस वक्त यहाँ चूँकि ना इनसे बड़े शाये थे, ना इनसे वकालत चली, ना कुछ हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, इनके अंदर ये पीस और ट्रूथ की शुरू से बातें थी। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि जब ये लंदन जाने लगे हैं तो इनकी अम्मा ने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं तो तुम पहले वाओ लो कि ना तो तुम मीट खाओगे, ना तुम औरतों के करीब जाओगे, ना शराब पियोगे, और इन्होंने वाओ ली और वहाँ कायम रहे इस बात पर। तो ये चीज़ें इनके फादर जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आप समझ लीजिए पोरबंदर के भी या राजकोट के रहे, आखिरी सालों में वो डिसेबल हो गए थे एक चोट की वजह से, तो उस दौरान में वो अपने दोस्तों को जिनमें मुसलमान पारसी और हिंदू शामिल थे बुलाते थे, और जितने सहीफ़े हैं
قرآن اور پارسیوں کا صحیفہ اور کرسچنز کا یہ باقاعدہ وہاں ان کی موجودگی میں پڑھا جاتا تھا, سنایا جاتا تھا, تو یہ چیزیں تو تھیں, لیکن پولیٹیکل ایک جذبہ ضرور تھا کیونکہ جب یہ انگلینڈ جانے لگے ہیں تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا, جنہوں نے کہا تم کیوں جا رہے ہو اتنے دور, انہوں نے کہا کل تم بھی جاؤ گے وہاں اور وہاں سے طاقتور بن کے آؤ گے اور پھر ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں گے. تو یہ جذبہ تو موجود تھا. جی کاٹنی پڑے گی. موہن داس کرم چند گاندھی سے مہاتما گاندھی کا جو سفر ہے ساؤتھ افریقہ سے شروع ہوا, یہ ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. ناظرین چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. جی نوزہ صاحبہ, ہم گاندھی صاحب کی بات کر رہے تھے کہ ان کا جو ایز اے لیڈر کیسے وہ ڈیولپ ہوئے. ہاں جی, وہ ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اتنے بڑے لیڈر بن جائیں گے. وہ ایک سیدھے سادھے سے بیچارے نوجوان, ان کو ہندوستان میں کچھ کام کرنے کا موقع نہیں ملا, پھر ان کی لڑائی ہو جاتی تھی انگریز کسی سے بھی جو بھی قریب سے گزرتا تھا. تو اس سارے چکر میں ان کو ایک سال کا کانٹریکٹ ملا ایک مسلمان مرچنٹ دادا بھائی عبداللہ کی طرف سے, جو ساؤتھ افریقہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ لڑ رہے تھے. ان کو انہوں نے پیسے دیے تھے, وہ واپس نہیں کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ آئیں. تو یہ 1893 میں وہاں گئے ہیں ایک سال کے کانٹریکٹ پہ. لیکن ہوا یہ, ڈربن پہنچے ہی ایک ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پریٹوریا جائیے, اور وہاں وہ بندہ تھا اسی عدالت میں کیس ہونا تھا. اب پریٹوریا کافی دور ہے, اس میں پہلے گاڑی میں بیٹھنا تھا, پھر کسی کوچ میں بیٹھنا تھا. جو ہی یہ گاڑی میں بیٹھے, انہوں نے اپنے برٹش شاندار قسم کا لباس پہنا ہوا تھا, ٹائی باندھی ہوئی تھی, ہر پورا ٹپ ٹاپ سے فرسٹ کلاس میں بیٹھے, اور ایک بندہ انگریز آیا اور اس نے ریلوے آفیشل کو بلا کے کہا, بڑا مشہور قصہ ہے, کہ اتارو اس کو, اور ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں باہر پھینک دیا گیا. اس سلسلے میں مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ان کے گوپال کرشنا گاندھی ان کے پوتے کی یاد آ رہی ہے. جب نیلسن منڈیلا نے 1997 میں ان کو جس اسٹیشن پہ پھینکا گیا تھا اس کا نام تھا پیٹر میرٹس برگ. تو پیٹر میرٹس برگ میں 1997 میں نیلسن منڈیلا نے خاص طور پہ ان کے پوتے کو بلایا جس کا نام گوپال کرشنا گاندھی ہے, اور ان کو انہوں نے پیٹر برگ کی آزادی کا تمغہ گاندھی جی کو پیش کیا جو پوتے نے ریسیو کیا. اور پوتے نے اس وقت ایک بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا جس وقت گاندھی کو زمین پہ پھینکا گیا تھا, جب وہ گرا تھا زمین پہ, اس وقت ایک انڈین گرا تھا, لیکن جس وقت گاندھی اس زمین سے اٹھا ہے تو وہ ایک ساؤتھ افریقن انڈین تھا. ہوا یہ کہ جب وہ جو بھی ان کا تجربہ تھا اس نے ان کو بتایا کہ ریسزم یہاں کتنا ڈیپ ہے. اور وہ پہلے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا, ساری رات وہ وہاں سکڑے ٹھنڈ میں بیٹھے رہے, ان کا سامان بھی کہیں انہوں نے پھینک دیا تھا, تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری اتنی بے عزتی ہوئی ہے, میں دادا بھائی سے کہتا ہوں کہ میں معاف آیا تمہارے اس سے, مجھے ٹکٹ دو, میں واپس جا رہا ہوں. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں, یہ بہت بزدلی ہوگی اگر یہاں یہ اتنی بدتمیزی ہو رہی ہے تو میں لڑوں گا. اور 21 سال پھر بعد, ہاں جی, اس کے بعد وہ 21 سال رہنے, پھر بھی تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے وہ جاتا, ایک سال کے بعد. اس دوران میں انہوں نے کئی آرگنائزیشنز وہاں بنائی جو کہ ان کے رائٹس کو وہ کرنے کے لیے تھیں, اور اس کے بعد ان کو روک لیا انہوں نے کہ آپ نہ جائیں. پھر 1902 میں یہ واپس آ گئے تھے, بٹ اگین ہی ہیڈ ٹو گو بیک. لیکن وہاں انہوں نے فینکس فارم بنایا, ٹالسٹائی فارم بنایا, وہاں انہوں نے نان وائلنس کا یہ ستیہ گراہ شروع کیا, وہیں نان یہ پیسو ریزسٹنس کو ستیہ گراہ کا نام دیا. وہیں سے وہ جو 21 سال کا تجربہ ہے اس نے ان کو ایک فلاسفر, ایک تھنکر, ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ, یہ وہاں کا جو 21 سال کا تجربہ تھا ساؤتھ افریقہ میں, یہ وہ بن کے ہندوستان آئے. اور انہوں نے جو اپنا وہ کیس جس کے لیے ان کو اسپیشل بلایا گیا تھا یہ بھی کورٹ میں نہیں لڑا, ان کی ریکنسیلیشن باہر باہر ہی کروائی. جی, یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے, بہت بڑی بات تھی. شروع میں ہی ان کی ہاں عادت کچھ ایسی, ہاں وہ نہیں, وہ تو یہ بچپن سے ان کے اندر تھا. تو انہوں نے وہاں گئے جس وقت اور ان سے یہی بات کی کہ بھئی آپ لوگ کیوں ایسے لڑ رہے ہیں, اور بلکہ یہاں تک کہ وہ جو پیسے 40,000 پاؤنڈ تھے یا کیا, اس کو ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے 30,000 پاؤنڈ کرایا, اس کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کہا کہ بھائی دے دینا, اور پھر ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ سارے کا سارا ان سے لے لیں گے تو یہ تباہ ہو جائے گا, اس کو انسٹالمنٹ پہ لے لیں. تو وہ دونوں رشتے داریاں بھی ان کی بنی رہیں, اور انہوں نے کہا آپ دشمن نہیں ہیں, آپ رشتے دار ہیں, پیسے واپس کر دیجیے. اور اینڈ تک یہ یہی کہتے رہے, ایون کہ جب برٹش کو بھی انہوں نے نکالنا تھا تو وہ یہی کہتے رہے کہ اپریسر جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمدردی
ही रखनी चाहिए, यानी वो भी उसके साथ भी आप दुश्मनी नहीं निभाएं। देखें उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस वक्त ये उसका सबूत देखिए, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनकी जो डिटर नहीं किया इन्होंने अपने रास्ते पे चलते रहे, कि वहाँ जिस वक्त ये साउथ इंडियन अफ्रीका इंडिया इंडियन जो लेबरर्स थे अफ्रीका साउथ अफ्रीका में उनके राइट्स के लिए जब लड़ रहे थे, तो उस दौरान में इंडियन कॉलोनी की वॉर जो डच कॉलोनी थी उससे हो गई, तो उस वक्त इन्होंने वो सारी जो रेजिस्टेंस थी वो रोकी और ये कहा कि हम इंडियन सब्जेक्ट हैं और हम आपका साथ देंगे। सही। और इस दौरान में जब हमारा दुश्मन वीक है तो हम उस पर हमला नहीं करेंगे। और इन्होंने वहाँ एक पीस कॉर्प्स बनाई, एम्बुलेंस कॉर्प्स, और उस जंग में कोई 1000 के करीब आदमी जो थे वो स्ट्रेचर्स पे लाला के जख्मियों की वो करते रहे, जिसपे बाद में बल्कि इनको एक अवार्ड भी मिला जो इन्होंने फिर बाद में वापस कर दिया लड़ाई के दौरान कि मुझे नहीं चाहिए। और एक और वाकया है कि जब ये वापस आ रहे थे वहाँ से, जब वापस आ रहे थे फॉर एवर, तो ये इनका जहाज जो है वो लंदन से होके गुजरा था। जिस वक्त ये लंदन पहुँचे हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, तो चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई इन्होंने लंदन में भी वही वाली पीस कॉर्प बनाई, लेकिन ये खुद बहुत बीमार थे इसलिए वो उसमें नहीं हिस्सा ले सके। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है हमारी आपसे झगड़ा है हमारी इंडिपेंडेंस का, लेकिन स्टिल आपके लॉ में हम रह रहे हैं, हम आपके सब्जेक्ट हैं, जब आपके साथ लड़ाई हो रही है तो हम नहीं लड़ेंगे आपके साथ। और लोगों को भी यही समझाया कि वीक देख के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी उनकी यही बात हुई है 1939 में दूसरी जंग अजीम में। सही। और जब ये वापस चले गए और उसमें कांग्रेस में मेरा ख्याल है 1922 में ये थोड़े 20 या 22 में शायद ये लीडरशिप में चले गए, 1915 में शायद ये वापस गए, 1915 में वापस गए, तो फिर वहाँ जाके उस सीन में ये कैसे फिट हुए, जब एक तरफ जो है एक इतना वो चल रहा था सारा कुछ गड़बड़ हो रही थी, और ये जो कांग्रेस है इसका वो क्या बेसिकली क्या सोच के इसमें शामिल हुए थे? सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये वहाँ पहुँचे तो ही वॉज ऑलरेडी ए वेरी वेल नोन हीरो इन इंडिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इन्होंने जो कुछ किया था उस दौरान में टाटा ने भी 25,000 रुपये वहाँ भेज दिए, और जब ये दरमियान में दो दफ़ा आए हैं तो तकरीबन सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स से इनसे मिले, इनकी तकरीरें भी होती थी, सब कुछ होता था, तो लोग इन्हें जानते थे। तो जब ये पहले आए हैं तो गोखले ने जो कि इंडियन कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर और बहुत ही ज़बरदस्त आदमी था, वो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन के लिए और ह्यूमैनिटी के आला असूलों के लिए ये उसको अपना मेंटोर समझते थे, तो गोखले ने इन्हें कहा कि अभी आप पॉलिटिक्स में मत आइए, ये जाते ही कांग्रेस में नहीं गए, आप हिंदुस्तान को देखिए। तो ये एक साल भर हिंदुस्तान में फिरते रहे और इनको, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था कि 21 साल ये बाहर रहा है बंदा और बहुत यंग एज में चला गया था, इसको पता ही नहीं है आपके यहाँ हो क्या रहा, तो उससे इनको जो भी अंदाज़ा हुआ, और उस वक्त तक सिर्फ मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस के जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी इनको वेलकम कर रहे थे, ही वेंट देयर। और इस दौरान में ये वापस आके भी एक साल के बाद भी इन्होंने एकदम से पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया 1500 साल में, क्योंकि इन्होंने कहा कि वही कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, ये एलाई हैं उसमें, हम इस वक्त इनको कमज़ोर देख के नहीं लड़ेंगे, जिस पे लोग इनसे झगड़ा भी करते थे। तो लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जिससे ये फौरन आए हैं और वो है जलियांवाला बाग का वाकया, क्योंकि इन वहाँ उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लॉज हो गए थे कि कोई लोग भी जो हैं वो इकट्ठे होकर कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, अपनी आज़ादी के लिए कोई पंफलेट्स ये चीज़ें ज़ाया नहीं कर सकते। इसके रिएक्शन के तौर पे पंजाब में 4 अंग्रेज़ों को कत्ल कर दिया, और उसका और रिएक्शन ये हुआ कि वहाँ वो जनरल डायर की सरपरस्ती में वहाँ एक लॉ पास हुआ कि जो भी हिंदुस्तानी गुजरेगा, अगर आप अंग्रेज़ खड़ा है कोई, तो वो ज़मीन के ऊपर लेट के गुजरेगा, और अगर नहीं गुजरेगा तो उसको बांध के मारा जाएगा। इसकी प्रोटेस्ट के लिए जलियांवाला बाग में आपको पता है कि सैकड़ों लोग गए, उनके पास ना कोई हथियार थे, और फिर जो भी हुआ वहाँ, तो जलियांवाला बाग का जब वाकया हुआ है देन गांधी केम एक्टिवली इन द पॉलिटिक्स। इन्होंने जलियांवाला बाग की रिपोर्ट इन्होंने लिखी और इन्होंने भिजवाई वायसराय को भी और इंग्लैंड भी, और वहाँ से इनकी ये जो पूरी तरीके से मसला शुरू हो गया। लेकिन इनको 1922 में इन्हीं चक्करों में कैद कर लिया गया, क्योंकि लोग
उन्होंने कहा कि ये बंदा आके वहाँ बाहर से ना यहाँ भी चक्कर चला रहा है तो इसको कैद कर लो। इनको 6 साल की कैद हुई, लेकिन 2 साल के बाद इनकी हेल्थ की खराबी की वजह से इनको बाहर निकाला गया। उसके बाद ये 28 तक फिर इनएक्टिव हो गए पॉलिटिक्स में, लेकिन उस सारे दौरान में इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया, इन्होंने औरतों के हक़ के बारे में, बेवा की शादी के बारे में बात की, बच्चों की शादियां ना हो, ये जो भी कुछ है ये अपना काम करते। जलियांवाला बाग के रेफरेंस से मुझे एक बात याद आती है कि उनके जहन में, अंग्रेज़ के जहन में ये था कि ये 1857 वाली जो तहरीक आज़ादी या जो भी उनके साजिश उनके नज़दीक हुई थी वो दोबारा ना हो, उसको स्नब करने के लिए। अच्छा, मेरे जहन में ऐसी एक बात आती है कि अब ये जो ड्रोन्स अटैक होते हैं तो ये हम उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं कि ये भी तो उसी तरह बेगुनाहों का होता है कि जस्ट टू एक वहम के बुनियाद पे या एक आगे आने वाली चीज़ को रोकने के लिए ये बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। देखें तो जी, बिल्कुल आज अगर गांधी साहब होते तो वो क्या करते इस मामले में? मेरा ख्याल है गांधी साहब होते तो इस वक्त अगर कोई उनकी सुन रहा होता, अव्वल तो आज वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो फोर्सेस उस वक्त अलहदगी की बनी और फंडामेंटलिज्म की फोर्सेस को रीइंफोर्स किया गया उसी के नतीजे में उनको मार दिया गया। उनकी ज़िंदगी में जब वो बचे भी तो 2-3 हमले पहले हुए थे, और आपको पता है कि उनको मारा भी इसलिए गया कि वो पहले जो बम किसी ने वहाँ फेंका था बिरला हाउस में, वो बंदा पकड़ा गया और उसने कहा कि मैंने इसलिए बम फेंका है कि ये मुसलमानों के साथ दोस्ती करने को हमें कह रहा है, वो ये चाहता है कि हम मुसलमानों के फ्रेंड्स बने रहें। उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने मज़ीद जो जुल्म फंडामेंटलिस्ट माइंड पर किया वो ये कि जब पाकिस्तान अलहदा हो गया, जो कि ही वॉज़ ए वेरी ब्रोकन हार्टेड पर्सन व्हेन ही डाइड, वो ये अलहदगी नहीं चाहते थे, वो यूनिटी चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, भाई भी अलहदा हो जाते हैं, इनका ख़जाने में से हिस्सा दें, जो कि इंडियन गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं थी। इन्होंने मरण व्रत रखा, इन्होंने 55 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान का हिस्सा था इन्होंने दिलवाया, और उसके बाद ये कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा और वहाँ भी लोगों को समझाऊँगा कि हम ठीक है अलहदा हो गए हैं लेकिन हम भाइयों की तरह रहेंगे। एंड दैट वाज द मेन रीज़न के उनको फंडामेंटलिस्ट हिंदू नहीं उठ के मार दिया। लेकिन आप जो ये सवाल कर रही हैं कि आज तो वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि जब आप उस लैंड में जहाँ महावीर जैन, जहाँ बुद्ध, जहाँ गांधी जैसे लोग पैदा होते हैं, वहाँ खड़े होकर ये कहते हैं कि हम इसलिए साथ नहीं रह सकते कि हमारा मज़हब अलग है, हालांकि 600 साल से आप साथ रह रहे हैं, तो वहाँ गांधी जैसे बंदे नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर कोई उनकी बात सुन रहा होता तो इस वक्त हमारी जो अवाम है, जनता है, वो यूनाइटेड होती और इस पॉइंट तक पहुँची ना होती, और इस वक्त भी वो जो तोड़ फोड़ हो रही है और सब कुछ, और दूसरे वो इकोनॉमी की बात करते थे, ही वॉज नॉट ओनली आइडियलिस्ट के आप जी सारे लोग बस इत्मीनान से यूं ही नॉन वायलेंट हो जाओ। वो जानते थे कि जो इकोनॉमी ख़राब है, जो बंदा भूख से मर रहा है, वो ही वायलेंट होगा, और इसीलिए जब वो गांव-गांव फिरे तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान अब शहरों में नहीं रह रहा, गाँव में रह रहा है। और गाँव की इकोनॉमी पर उन्होंने कहा जब तक गाँव की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, जब तक हमारा आम काम करने वाला ठीक नहीं होगा, उसको रोटी नहीं मिलेगी, उस वक्त तक हम नहीं हो सकता। सही, वो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे, लेकिन नेहरू वगैरह जो उनके दूसरे थे, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस पे बात जारी रखेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जी नुज़हत साहिबा, आपने इकॉनमी की बात की गांधी साहब के हवाले से, जो इनको मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने कहा कि ये बड़े इकोनॉमिस्ट इनकी थिंकिंग थी, और ये मतलब आपको शायद पता होगा वो जो चरखा मूवमेंट इनकी स्टार्ट हुई, और डेफिनेटली आपको पता होगा तो वो हेनरी फोर्ड उस वक्त जब वो जंगे अजीम जो दोएम थी उसमें परेशान हाल बैठा था, तो इनको उसके पास जब इनका ऑटोग्राफ्ट चरखा पहुंचा तो वो कहते हैं कि वो भी उसमें स्टक होकर रह गया। तो ये जो आप अभी बात कर रही थी कॉटेज इंडस्ट्री की या स्मॉल इंडस्ट्री की, तो ये आप क्या समझती हैं कि इंडिया के लिए आज भी ये ज़्यादा सूटेबल वे था जो गांधी साहब कहते थे कि इंडिया को मगरब की तकलीद नहीं करनी चाहिए, उसको अपना सिस्टम देखना चाहिए? देखें जी, असल में गांधी को मैं सिविलाइजेशन थियरिस्ट भी मानती हूँ। वो कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन की और वेस्टर्न कल्चर की
بہت زبردست کرٹیسزم اس پہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کلچر کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو یہ خود مر جائے گا, اس کے اندر کوئی موریلٹی نہیں ہے. اور جس طرح کی انڈسٹریلائزیشن یہ کر رہا ہے اس سے جو عام کارندہ ہے, عام بندے بھوکے مریں گے اور پیسہ ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. تو بنیادی طور پہ وہ جو چرخہ تھا نا, وہ اصل میں دیٹ واز اے سمبل آف ہینڈی کرافٹس, سیلف ریلائنس ہینڈی کرافٹس. اور اس وقت وہ ایک طرح سے عوام کے جو ہینڈی کرافٹس تھے ان کا سمبل تھا وہ. تو ضروری نہیں ہے کہ ابھی تک وہ چرخہ ہی سمبل بنا رہے, لیکن یہ ضروری ہے ابھی بھی کہ یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن کی انڈسٹریلائزیشن ہے, اسی نے پوری دنیا کو پیریفری بنا کے ہر جگہ سے جتنی جنگیں ہو رہی ہیں یہ ریسورسز کھینچنے کے لیے ہو رہی ہیں انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے اکٹھے ایک ایک مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں, اور جس جگہ پہ جوتا بنتا ہے وہاں کا بچہ جو ہے وہ ننگے پاؤں پھرتا ہے. جس جگہ پہ آم سب سے اچھے اگتے ہیں ان کو نصیب نہیں ہوتا وہ کھانا, وہ کہیں اور جاتا ہے. اور نیچرل ریسورسز یہ لوگ لے جاتے ہیں اور اس کو فائنل پروڈکٹ بنا کے انہیں کو ہی مہنگے داموں بیچتے ہیں. دا مین تھنگ از کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس جگہ کی ریسورسز ہیں وہ ریسورسز اس جگہ پہ استعمال ہوں, اور اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسچینج کریں. اس طرح سے وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی غریب نہیں رہے گا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی نیڈ پورے کرنے کے لیے چیز پیش کی ہے, لیکن اگر کوئی گریڈی ہو تو ایک بندے کی گریڈ بھی پوری نہیں ہو سکتی اس سے, لیکن ساری دنیا کی نیڈز پوری ہو سکتی ہیں. تو وہ گریڈ سے بچا کے نیڈ بیسڈ کی اکانومی چاہتے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا انڈیا نہ آج کی دنیا گاندھی کا انڈیا نہیں تھا, وہ اس کے خوابوں کا انڈیا نہیں تھا. اب بھی وہاں گاؤں میں بے حد غربت ہے, اور انڈسٹریلائزیشن کے نتیجے میں تھرڈ ورلڈ بنا ہے, جس کو جو بھی کہیں وہ غریب ہے. فرسٹ ورلڈ میں وہاں کی ساری چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہیں ساری چیزیں. جو ان کی سیونگ کی فلاسفی تھی, جو وہ کہتے تھے کہ اگر 1000 بھی آپ کما رہے ہیں تو آپ سیو کر سکتے ہیں. جیسے نارمل تو اکانومسٹ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر انکم زیادہ ہے تو سیونگ زیادہ ہوگی, لیکن گاندھی صاحب کا یہ ویو تھا کہ اگر انکم کم بھی ہو تو آپ اس میں سے بھی سیو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ سمپلسٹی آف لائف کے عادی تھے اور نیڈ بیسڈ پہ نیڈ کو ڈیفائن کرنا ان کے ہاں بہت ضروری تھا. اسی لیے انہوں نے آپ کو پتا ہے آشرم بنایا. انہوں نے 1900 سے 1948 تک جب وہ زندہ رہے کبھی کسی گھر میں نہیں رہے. انہوں نے آشرم کس لیے بنایا؟ جسٹ ٹو ہیو پریکٹس. وہ کہتے تھے مائی لائف از اے پریکٹس, جو بھی دماغ میں آتا ہے میں پریکٹس کرتا ہوں. اور اس پریکٹس کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کو جہاں سے بھی علم ملا انہوں نے حاصل کر لیا. جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ مسلمان کی دولت ہے, وہ لے لے اسے جا کے. اس پہ اصل میں گاندھی جی نے عمل کیا. ان کو ویسٹرن اس سے جان رسکن کی انہوں نے ان کو کتاب پڑھنے کا موقع ملا, انٹو دس لاسٹ. اس میں اس طرح کی رہائش کا تھا کہ آپ الگ سے اگر رہیں کسی جگہ پہ آشرم کائنڈ آف تھنگ بنا کے تو رہ سکتے ہیں. انہوں نے اپنا پہلا آشرم فینکس بنایا, اس میں تجربے کیے. پھر اس کے بعد دوسرا آشرم بنایا وہیں, پھر یہاں آ کے سبرمتی آشرم بنایا, بعد میں سیوا گرام بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ وہاں وہ یہ سمپل لیونگ کا تجربہ کر سکیں. وہاں وہ اگاتے تھے چیزیں اور سیلف ریلائنٹ ٹوٹلی کھادی اپنی بناتے تھے. جب آپ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں گے تو کوئی دوسرا بندہ آپ کو خرید نہیں سکتا. صحیح. تو سیلف ریلائنس جو ہے نا, دیٹ از گاندھیان میتھڈ. یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ چرخہ اس وقت چلائیں یا نہ چلائیں, کیونکہ انہوں نے خود بھی ٹیلی فون کا استعمال کیا, ریڈیو کا استعمال کیا, لیکن وہ ٹیکنالوجی کی اس حد تک کہ وہ ٹیکنالوجی ہم پہ حکومت کرنے لگ جائے, اس کے حق میں نہیں. یعنی وہ جو غریب ہیں اور جو انڈیا کا جو زیادہ حصہ جو گاؤں میں رہ رہا ہے وہ اس کو اگنور نہ کیا جائے. اگر آپ انڈسٹریز لگا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا. وہ پہلے ہیں, کیونکہ جب تک وہ پرسکون نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جس 47 میں
जब सो कॉल्ड इंडिया आज़ाद हुआ है, उन्होंने उसकी किसी सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लिया. उनको उस साल उनके किसी दोस्त ने हैप्पी बर्थडे कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे कंडोलेंस कहो, मेरी मौत है ये जो अब हुआ है, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ ये वो फ्रीडम नहीं है. मेरी फ्रीडम जो है वो फियर से फ्रीडम है, मेरी फ्रीडम वायलेंस से फ्रीडम है, पावर्टी से फ्रीडम है. जब तक वो नहीं है हम फ्री नहीं है. सिर्फ एक हुक्मरान चले गए हैं, सिर्फ अंग्रेजों के जाने के बाद आपके आने से फ्रीडम नहीं आ जाएगी. वो तो बात अब हम देख रहे हैं कैसे हर जगह पे, पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं. इसीलिए बार बार गांधी जी का नाम आता है कि पूरी दुनिया में वो फ्रीडम के नाम पे जो भी हो रहा है वो आम बंदे की फ्रीडम नहीं है, हम गुलाम हैं. पहले हम सामने बैठे हुए आदमी के लिए काम करते थे, अब कहीं बैंकों के लिए कर रहे हैं, कहीं फर्स्ट वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं. और दूसरी जो बात उनकी थी, ये जो उन्होंने अछूत के लिए मूवमेंट्स चलाते या उनकी उसमें बात करते थे फेवर में, तो वो क्या उनका एक पॉलिटिकल स्टंट होता था, क्या होता था वो? देखिए स्टंट तो तब हो जब किसी बंदे ने अचानक ही पैंट कोट उतार के शलवार कमीज पहन के टोपी ले ली हो और फिर उसके बाद दोबारा पैंट में चला गया तो उसको तो मैं स्टंट कह सकती हूँ. लेकिन वो क्या स्टंट हुआ जिसमें कि आप अपनी जात पात के मजहब से निकले हैं लेकिन आपने उन लोगों की लेटरिन साफ की सारी जिंदगी. उन एक बंदा जो अछूत था और वो उसको लेप्रसी भी थी, वो सेवाग्राम में आया और ये रोज़ाना जाके सुबह को उसका टॉयलेट साफ करते थे और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करते थे, उसके कपड़े धोते थे और सारी जिंदगी ये भंगियों के जो जगह बनी होती है वहाँ जिस शहर में गए हैं ये भंगियों के यहाँ ठहरे हैं, भंगीवाड़े में. और इन्होंने वो हरजींस जो हरिजन उनको कहा, उनका नाम उन्होंने कहा कि शूद्ररम मत कहो, ये हरिजन है यानी हरि के बच्चे, ये अल्लाह ताला की औलाद है. लेकिन जो उनके लीडर थे इन्हीं शूद्रों के जो लीडर थे डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने तो इस चीज़ को भी, उन्होंने कहा ये क्यों ये वाला नाम दे रहे हैं. नहीं वो असल बात ये थी कि अम्बेडकर साहब भी बहुत पढ़े लिखे इंसान थे लेकिन उनका मेथड इनके मेथड से डिफरेंट था. लेकिन दोनों लीडर असल में हरिजनों का या आप शूद्रों का भला चाहते थे. उनका मेथड ये था कि सारे के सारे शूद्र जो है ना वो कन्वर्ट हो जाए, वो खुद भी बुद्धिस्ट हो गए थे. तो ना हम हिंदुओं के साथ रहेंगे ना हम इनका जुर्म सहेंगे. ये कहते थे कि हिंदुइज्म की ये गंदगी फिर भी मौजूद रह जाएगी फिलोसॉफिकली. आप कन्वर्ट हो गए पर वो तो मान रहे हैं कि शुद्र होता है. तो वो ये चाहते थे कि हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी शुद्रों का जो एक ये जो जात पात की एक लानत है इससे आजाद हो जाए. तो इसलिए उन्होंने इस बाकायदा अपनी मूवमेंट्स के ज़रिए इनका मंदिरों में आना जाना वो उसकी इजाज़त दिलवाई. और इनकी सबसे बड़ी लड़ाई वो पूना पैक्ट के हवाले से हुई है. अम्बेडकर साहब ये चाहते थे कि उनका इलेक्टोरेट ही अलहदा हो जाए, कि वो अपने इलेक्शन करके अपने ही लोग चुने. ये कहते थे वो हमारे लोग हैं, उनको अलग नहीं होना चाहिए, हम उनको सीट्स दिलवाएंगे. और इन्होंने पूना वारदा के मुझे अब नाम भूल रहा है उस जेल का, पूना के इलाके में था, उस जेल में इन्होंने मरण व्रत रखा. इन्होंने कहा कि नहीं हम वो हमारे भाई हैं, हम उनको अलग नहीं होने देंगे. और 148 सीट्स उनकी इन्होंने ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और 18% सीट इन्होंने गांधी जी ने सेंट्रल लेजिस्लेचर में दिलवाई. और उस वो पैक्ट हुआ है इनके अंग्रेज़ हुकूमत और अंबेडकर के दरमियान, पूना एक्ट के नाम से मशहूर है. तो इनका ये क्लैश बेसिकली इसलिए नहीं था कि ये दोनों उनकी अच्छाई नहीं चाहते थे, लेकिन मेथड इनका डिफरेंट था. जैसे इनका मेथड सुभाष बोस चंद्र बोस से भी डिफरेंट था. चंद्र बोस साहब ने जिस वक्त 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है, ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, उन्होंने कहा ये वक्त है इस वक्त अंग्रेज हुकूमत पे दबाव डालने का, क्योंकि वो जंग में मुब्तला है और बम्बारमेंट हो रही है उन पे. तो इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, आप इस्तीफा दें. उन्होंने इस्तीफा दिया और आपको पता है वो मुल्क से चले गए. लेकिन ये नॉन वायलेंस पे हमेशा रहे हैं, जात पात के ख़िलाफ़ हमेशा इन्होंने काम किया है. और ये स्टंट नहीं था, पूरी ये वहाँ ठहरते थे, वहाँ खाते पीते थे, उनके साथ रहते थे. अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, इसका प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है. गांधी साहब का था कि हार्ट को चेंज करें और स्लो प्रोसेस उनका, और दूसरी बात ये कि वो हम देखते हैं कि उनका थोड़ा हिंदुइज़म रिलीजन बेस्ड फिलोसफी थी,
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म में वो उनका जो भी ब्रॉट अप वगैरह ज़्यादा उधर भी हुआ, तो क्या आप ये क्या समझती हैं कि आज अगर हम गांधी साहब को अप्लाई करना चाहें आज में, तो ज़रा क्विकली बताएं कि ये किस तरह हम कर सकते हैं उसको? देखें जी, गांधी जी को कुचली वो बाइबल है जी, बिल्कुल है। उसकी वजह ये है कि गांधी जी का प्रोसेस जो स्पिरिचुअलिटी का है वो तो जाहिर है बड़ा लंबा है, सही। लेकिन उनके मेथड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये कि वो छोटे छोटे इश्यूज लेते थे। ठीक। जैसे कि उन्होंने एक छोटा इशू लिया कि भाई आप ये जो उन्होंने वहाँ क्या उसका नाम है, आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे शूद्रों को मंदिर में, बस ये इशू लिया, इस पर आप चल पड़े, उसको सॉल्व किया। साउथ अफ्रीका में जैसे वो एक उन्होंने पास एक कार्ड सा जारी कर दिया था कि हर साउथ एशियन जो इंडियन अपना कार्ड हर वक्त अपने पास रखे, उसके बगैर वो इतने बजे नहीं जा सकता, इतने बजे नहीं, इन्होंने कहा ये सब जलाओ। तो वो छोटे छोटे इश्यूज लेके, लेकिन बड़ी फिलॉसफी क्लियर हो कि हमने ट्रूथ का साथ देना है, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने लालच पे नहीं चलना, हमने अपनी जान की कुर्बानी देनी है, किसी और की कुर्बानी नहीं लेनी है। उस पे चलते हुए आप अपने रोज़मर्रा के, वो रोज़मर्रा के छोटे 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 मसले सुलझाते चले जाते थे। अमेरिका सोचता है उसने इराक पे हमला करना है, वो जाके हमला कर देता है, लोग मार देता है, तो वो उतनी देर में जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो गांधीज़म पे चलने वाले हैं, उनकी फिलॉसफी वहाँ पे कैसे रोकेगी उनको या कैसे दिलों पे असर करेगी? नहीं, ये तो अब लंबे मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी बात ना मानते हुए जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें, बट स्टिल आई थिंक के उसके नतीजे में उठ के वहाँ से एक बंदा आए और यहाँ बॉम्ब मार दे, ये इसका इलाज नहीं है। सही। बहुत शुक्रिया नुज़हत, आपकी मदद से हमने बहुत ज़्यादा गांधी जी को समझा। तो वो तो कहते होते थे वेयर देयर इज़ अ लव देयर इज़ लाइफ। तो अगर हमने ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते और उसको वाकई ज़िंदगी की शक्ल में देखना है, तो गांधीज़म को एक ही फ़िलासफ़ी हमें उनको देखना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह ज़िंदगी तो हो लेकिन सिसकती रोती पीटती, तो फिर जो है जो हो रहा है उस पर आँखें बंद करके तो बैठ जाएँ। नाज़रीन, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।